So Goa road trip was always a dream for me, and that too it's IBW, so I was really excited for IBW road trip with my friends. I know it was a tough ride for me because it was my first longest ride, more than 600 km, and we need to complete it within one day because next day was an IBW event. And yes, it was even more difficult to ride the bike at night in Amboli Ghat with zero visibility, but somehow we managed to reach out the destination to Goa, and we rode our bike more than 13 hours. So guys, it's a request, do watch the complete video as I've shown the riding footage with you all. So the next video will be coming out, our full riding footages. So please do watch and like the video. सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. वंस अगेन आप सभी का स्वागत है. तो आज का जो हमारा ट्रिप है ना, वो एक ड्रीम ट्रिप था बहुत टाइम से गोवा जाने का. तो फाइनली आज हम लोग गोवा के लिए निकल रहे हैं. मतलब कि आपको पता रहेगा IBW का इवेंट है 2nd और 3rd को, तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है नाला सुपारा, और यहाँ से हम लोग सीधा ब्रेक जो लेने वाले हैं वो लोनावला लेंगे. मनोज उससे पहले चाय और नाश्ता. हाँ, चाय और नाश्ता, बिकॉज अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग ने कुछ बेसिकली कुछ खाया नहीं है. तो मनोज भाई हाय बोल दो. हाय फ्रेंड्स, गाइस सब्सक्राइब करो. सो भाई हेल्प कर रहे हैं बंजी स्ट्रैप बंजी बांधने में, क्योंकि मैंने इधर पे बैग नहीं माउंट किया था तो भाई ने ही मुझे बैग दिया. तो भाई का देखो, भाई का गाड़ी का देखो पूरा सेटअप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और भाई ने एग्जॉर का बैग लिया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो मैं भी फ्यूचर में ज़रूर से ये बैग लूँगा जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. कितना, 45 लीटर का लग रहा है. सो 45 लीटर का, 45 लीटर का है विथ वाटर प्रूफ, तो डेफिनेटली मैं लेने वाला हूँ इसको. तो हमारी गाड़ी कुछ ऐसी अभी दिख रही है. तो बैग कंप्लीट, एकदम बैग हो गया ना बराबर से. बैग ही लगा नहीं, अभी एक और लगाना है, एक और स्ट्रैप लगाना पड़ेगा और उसके बाद पूरा फाइनली सेटअप हो जाएगा. तो हम लोग अभी आपको दोबारा से मिलते हैं पूरा सेटअप कंप्लीट होने के बाद. बहुत ज़्यादा अंधेरा था इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग नहीं किया. सो जो अभी हम लोग का स्टॉपिंग है वो सीधा लोनावला की ओर है. तो हमारे राइडर्स लोग जैसे ही उजाला होगा वैसे ही मैं आपको सारे जन से इंट्रो करा दूंगा. सो स्टे ट्यून गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये राइड पे. बहुत मतलब बहुत, फर्स्ट टाइम इतनी लंबी राइड होने वाली है हमारी, ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है. और अभी तो राइड स्टार्ट ही हुआ है, आगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मज़ा आने वाला है. अभी अंधेरा है इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा, कुछ ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ. तो जैसे ही थोड़ा उजाला आ जाएगा वैसे ही हम लोग शुरू कर देंगे व्लॉगिंग. तो मेरे पास GoPro की एक ही बैटरी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम अच्छे चीज़ें कवर कर लूँ, क्योंकि ये है मेरा ड्रीम राइड IBW. यार हर किसी बाइकर का ड्रीम रहता है, एक तो आपका लद्दाख और एक आपका IBW. अंधेरे में राइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज आगे से जो लोग आते हैं ना अपर पे चलाते हैं तो लिटरली सामने का कुछ नहीं दिखता है. सो मैं कोशिश करता हूँ कि रात की राइड जो है अवॉइड करूँ. तो अभी कुछ ही देर में हो जाएगा उजाला. रोड्स यार लिटरली बहुत ही बेकार है, मतलब कहीं भी कुछ भी आ जा रहा है. तो थोड़ा ध्यान से ही चलाना पड़ेगा गाड़ी को, और ज़्यादा रेव नहीं करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं चलाएंगे, बिकॉज एवरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही लंबा है इस बार. फर्स्ट टाइम मैं लाइक इतना लंबा ट्रिप कर रहा हूँ और लिटरली कुछ खाया नहीं है. अभी हम लोग जैसे ही कोई स्पॉट देखेंगे सोच रहे हैं कि हम लोग लोनावला ही स्टॉप करें, वहाँ पर कुछ खाएँगे, फिर आप लोग को मिलते हैं दोबारा से. हम लोग फाइनली सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिया और उजाला हो गया है. तो अभी राइड करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि अंधेरा था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था. तो हम लोग स्पीड मेंटेन करके रखे 80-90 की स्पीड में, ज़्यादा हमें रैश राइड नहीं करना है बिकॉज एवरेज भी हमें देखना है. सो लेट्स सी, अभी तक तो 120 किलोमीटर हम लोग ने अभी तक किया रहेगा, और गाड़ी अभी 27 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है. सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. सो गाइज एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, इस वजह से हम लोग
इस वजह से थोड़ा सा एवरेज डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं है, अभी हम लोग जो है ना बहुत ही आराम से चलाएंगे जिससे हमें एवरेज मिलेगा। तो वैसे तो ये ओल्ड पूना एक्सप्रेस हाईवे है। सो गाइज अभी हम लोग ना खारघर पे पहुंचे हैं। कितना किलोमीटर हुआ रहेगा अभी? 100 किलोमीटर हुआ रहेगा। सो अभी 100 किलोमीटर हो गया है। सो गाइज हमारे हम जिधर पे रहते हैं ना वहाँ से जो हमारा गोवा जो डेस्टिनेशन है वो लगभग 670 किलोमीटर है। तो कुछ टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग 15 आवर्स की जर्नी है। हाँ रात को हम लोग 12-1 बजे शायद से जल्दी हो जाए। रोड अच्छा नहीं आगे। अच्छा आगे का रोड अच्छा नहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, तो लाइक 12 बज जाएंगे। सो गाइस मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं करा था तो इंट्रोडक्शन करा लेता हूँ। मेरा नाम मनोज है, मैं शुभम का बहुत पुराना दोस्त हूँ, हम लोग को 7-8 साल हो गए साथ में रहे और राइड करते हुए। सो हमारी गाड़ी भी इधर पे खड़ी है, मैं आपको बता दूंगा लाइनअप में। सो बाकी के हमारे दो राइडर, भाई हाय बोल दो। हेलो हाय प्रतीक। हाय नयन। क्या नयन? नयन। सो अभी यहाँ से अपने को कितना किलोमीटर रहेगा फिर भी? अप्रोक्स 600+ ही रहेगा। अभी अपन खारघर में है ना? तो अभी हम लोग खारघर में है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लाइनअप दिखा देता हूँ अपनी गाड़ियों की। तो चलो लाइनअप आप लोग देख सकते हो, KTM 390 BS6 ना? BS6 डोमिनर अपनी मैड मैक्स BS6, यहाँ पे डोमिनर BS6, हिमालयन BS4। तो ये हमारी पूरी लाइनअप है, अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस फाइनली वी आर एट लोनावाला घाट। तो यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो जाता है लोनावाला का। सो घाट सेक्शन आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा लीन करने में मजा आएगा। लेकिन बस खाली नहीं मिलता है, वो बात अलग है। तो आप लोगों को ये फुटेज तो देखना ही चाहिए गाइस। सो लोनावाला में कुछ अपन नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। गौ माता गौ माता गौ माता। आवाज एकदम क्लियर जाता है। और वीडियो नहीं देखा मेरा, एक दो आवाज क्लियर एकदम सुनाई दे रहा है, एकदम मस्त वाली वॉल्यूम है। सो फाइनली हम लोग लोनावाला आ गए यहाँ पे। इससे इससे थोड़ा और ऊपर पिक पिक टाइगर पॉइंट है ना, इसके और ऊपर भाई हम लोग अंडा पाव खा रहे हैं, शुभम भाई का आमलेट पाव हम लोग खा ले रहे। मंगाया मैंने और फेल दिया ये लोग ने। और प्रतीक भाई कैसा लग रहा है? ऑसम है, दो नाम है। प्रतीक भाई का पैर दुख रहा है, मैं बोला आगे चलो, बोलता है पैर दुख रहा है। आदत नहीं है क्या? बम आदत नहीं है ना। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रूट की ओर। तो गोवा लगभग यहाँ से 9 hours 37 minutes दिखा रहा है, 500 किलोमीटर मोर टू गो। अब ये 9 hours मतलब हमें लगभग लग जाएगा 4 से, लाइक जो गूगल दिखा रहा है उसका 2 से 3 घंटा पकड़ के चलो, बिकॉज़ हम लोग ब्रेक वेक भी लेंगे। तो पहुँचते पहुँचते आई बिलीव 11 बजेगा, 11 से भी ज़्यादा हो सकता है, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बैग दुख गया। सो गाइस अभी हम लोग टनल में घुस रहे हैं। टनल में
जाने वाले हैं। यस, न्यू कटराज टनल। फुल ब्लैकआउट हो गया भाई, वो लोग बहुत आगे निकल गया लगता है। KTM चलाते चलाते लाइक पूरा बैग दुख गया यार। डोमिनर में इतना नहीं दिक्कत होता है, किधर तो रुकना पड़ेगा अभी हमें। लाइक बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया बैक में मेरे। अभी हम लोगों को कैसे ना कैसे स्विच करना पड़ेगा, पता नहीं किधर पे है मनोज भाई। लाइक हम लोग ने अभी तक नहीं करके 80-90 किलोमीटर खींच लिया रहेगा, तब से मैं KTM चला रहा हूँ और बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा डोमिनर पे अपने। सो टनल हो चुका है ख़त्म। वे यार वो लोग रुक भी नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे हैं। अभी हम लोग टी ब्रेक के लिए निकले थे और अभी हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग ने पूना क्रॉस कर लिया है, तो इधर से लगभग और 500 किलोमीटर और लंबा हमें जाना है, उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच जाएंगे। तो मनोज भाई, और भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन टन से दबाओ। एक वीडियो में कितने हर बार बोलेंगे भाई, और आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो नेक्स्ट राइड पे, बराबर लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए, और ऐसा नहीं कि हम आपसे पैसा ले लेंगे लद्दाख का, आप अपना पैसा खुद यूज करो, खुद लद्दाख जाओ। नहीं बहुत से सो अभी वापस से हम लोग राइड शुरू करेंगे, तो लगभग कितने अभी 8 आवर्स दिखा रहा है ना, 8 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन खाना वाना खाएंगे तो 10 घंटे चले जाएंगे। हाँ मतलब गूगल आंटी जो बताती है उससे 2 घंटा और पकड़ के चलना है। सो लगभग 10 से 12 घंटे और लगने वाले हमें गोवा पहुँचने के लिए। और खाना क्या खाएंगे आज? चिकन जो भी है। सो चलो अभी राइड को हम लोग शुरू करेंगे और निकलते हैं। सो गाइज अभी गोवा लगभग यहाँ से 312 किलोमीटर है, जो कि लगभग 6 घंटा दिखा रहा है, 6 hours 18 minutes। और मान पकड़ लो गूगल आंटी अगर 6 घंटा बता रही है, तो मतलब हम लोग को 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। और बाकी जो मेरे फेलो राइडर हैं वो लोग मतलब नेक्स्ट लेवल से भगाए जा रहे हैं। मतलब भगा के क्या है फ़ायदा, आराम से भी तो जा सकते भाई। जब लंबी डेस्टिनेशन होना तो आराम से जाओ यार, काहे लिए रिस्क लेना। सो अभी हम लोग आगे मिलते हैं आप लोग को। तो अभी लंच वंच हो गया हम लोग का, अभी हम लोग निकलेंगे। कितने बजे तक फिर भी अपन पहुंच जाएंगे? 9-10 बजे का। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, वैसे भी बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी लंबी राइड कर रहे हैं। और यस मज़ा तो आ ही रहा है डेफिनेटली। ये किसके ये मैंने लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था ना फेस पे, और फिर वो फ्रेशनेस फील नहीं होता है, थकान थकान जैसा लगता है। और अपने को ब्लॉग भी करना है तो चिकने भी दिखनी चाहिए ना तुम तो हुई ऑलरेडी। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो, तुम्हारा इसका एक ही रहता है, हाय फ्रेंड्स चाय पी लो। शुभम भाई का फर्स्ट ब्लॉग। अरे भाई आओ ना, दूर दूर रहना। थैंक यू अन्ना, बहुत सही था खाना, बहुत सही था। भाई जो भी आ रहा है, क्या होटल का नाम क्या है? मणिकंदन होटल आ सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। मैं एक बार आपको बैनर का फोटो भी दिखा दूंगा, तो यहाँ पे आके आप लोग लंच कर सकते हो, डिनर लंच कुछ भी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। सो ये है, देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है यार, बहुत बहुत ज़्यादा।
आई डोंट नो कि आप लोगों को ऑडियो प्रॉपर तरीके से आ रही होगी या नहीं आ रही रहेगी, बिकॉज ये विंड ब्लास्ट ना बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब पूरा का पूरा हवा जो है मेरे कान में लिटरली मार रहा है, और हम लोग इसीलिए आराम से चलाएंगे ताकि जो हम लोग बोले आप लोग के साथ, मतलब मैं कुछ जो भी कुछ बोलूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई दे, क्योंकि विंड ब्लास्ट अगर ज़्यादा ज़ोर से आएगा तो फिर कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो फिर वो कुछ मतलब नहीं बन जाता है ब्लॉग बनाने का। सो इतना ज़्यादा भगा के क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या मतलब क्या फ़ायदा होने वाला है। अभी तब से 27 किलोमीटर पर लीटर का मेरे को एवरेज दे रहा था, मैं 80 के स्पीड पे अब क्रूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मेरा एवरेज बढ़ के 28 किलोमीटर पर लीटर हो गया है। तो क्यों भगाना है भाई अननेसेसरी। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लाइव अपडेट होगा, जो भी जहाँ भी मैं पहुँचूँगा उसका लाइव अपडेट मैं करता रहूँगा। सो गाइज, जो वीडियो की सीरीज़ है ना, गोवा की, मुंबई टू गोवा की सीरीज़, वो कुछ दिन बाद ही आएगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल तो एडिट, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ। सो हम लोग आराम से करेंगे, क्योंकि गोवा एंजॉय करेंगे हम लोग। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँचे हैं होटल गोवा वेस्ट फैमिली रेस्टोरेंट। अभी यहाँ से लगभग ये कितना किलोमीटर है? 149। सो लगभग 150 किलोमीटर है, और यहाँ से घाट सेक्शन शुरू होने वाला है, तो शायद में भी 4-5 घंटा लगने वाला है यहाँ से अभी। सो गाइज, अभी यहाँ से कुछ 36 किलोमीटर हमें स्ट्रेट जाना है, फिर राइट टर्न लेके अम्बोली घाट जाना है। सो गाइज, ये वन वे रोड है, और ट्रस्ट मी बहुत ही बेकार है, तो यहाँ पे बहुत ही आराम से हमें चलाना होगा, बहुत मतलब बहुत आराम से। कुछ विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, और ट्रस्ट मी ये जो राइड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, बिकॉज़ अभी 130 किलोमीटर लगभग कुछ है गोवा, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, आराम से चलेंगे। और विजिबिलिटी तो ठीक ठाक आ रही है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे दिक्कत है कि ये वन लेन रोड है, और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाड़ी को निकालने में। पता नहीं ये राइड कैसे कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, बहुत मतलब बहुत। और अभी ठंडी हवा भी शुरू हो चुकी है, सो डार्क मैन, सो डार्क, और ट्रस्ट मी ये हार्ड होने वाला है राइड। और वन लेन रोड है, ऊपर से अंधेरा है, तो हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। प्रॉब्लम ये ट्रक्स के ही है। क्योंकि वो जाती है, ट्रैक्टर जाती है ना, तो पूरा का पूरा पूरा मतलब पूरा रोड घेर लेती है, और फिर इट्स डिफ़िकल्ट कि हम लोग गाड़ी निकाल सके। आई डोंट नो ऑडियो कितना अच्छे से आ रहा रहेगा और क्लैरिटी कितना आ रहा रहेगा। सो अभी कुछ भी दिखा के मतलब नहीं है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डार्क है और आप लोगों को कुछ नहीं दिखने वाला है, तो मैं GoPro को इधर पर बंद कर देता हूँ, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है, आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा सामने का। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी राइड होने वाली हम लोग के लिए। अभी तो 140 किलोमीटर है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ऐसे में हम लोग स्पीडिंग भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो, एकदम ज़ीरो, और रास्ता का कोई भी भरोसा नहीं, कहीं भी खड्डे विड्डे आ सकते हैं। सो आराम से जाना ही अकलमंदी होने वाली है। सो गाइज, मैं आप सभी को मिलता हूँ आगे। सो एक्चुअली हम लोग कल रात को 10:30 बजे पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है नेक्स्ट दिन का, तो अभी थोड़ी बहुत थकान कम हुई है, मेरे बाकी के फ्रेंड्स लोग सोए हैं, और हम लोग होटल रूम में आ चुके थे कल रात को 10:30 बजे, आराम से सोए। तो अभी का कुछ प्लान है नहीं, अभी ये लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, तो आराम से सोए हैं। हम लोग टोटल 4 जने एक रूम में रह रहे हैं, तो बाकी आपको जैसा भी है सो टूर दे दूंगा।
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको किसी भी कारण वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, साथ ही साथ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।